तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है इश्यो एनाल फोसा। और जो इश्यो एनाल फोसा जो है, ये एक्चुअली मैं आपके एग्जामिनर का नया सबसे ज़्यादा फेवरेट फोसा मान लो तुम तो। क्योंकि क्या होता है, अगर तुम्हारा सेशनल या पीसीटी में अगर पेल्विस आने वाला है तो इश्यो एनाल फोसा पे तो बिल्कुल तुम मान लो कि शॉर्ट नोट आएगा ही आएगा, गारंटेड है। तो इसलिए क्या, इसको अच्छी तरीके से तुम यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर लेना। आज अपन पूरा इसी इश्यो एनाल फोसा के बारे में कंसेप्ट जानेंगे, और मैं फिर आपको ये भी बताऊंगा कि इसको किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी में लिख के आओ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें। और क्योंकि तो डायग्राम जो होता है ना, वो क्या अपन ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करके भी बताऊंगा, इसलिए तो मेरी ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। एक्चुअली होता है क्या यार, इश्यू एंड फोसा का मैं बताऊँ, एग्जामिनर का तक क्यों फेवरेट है, क्योंकि क्या होता है अच्छे से इमेजिन नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या, एग्जामिनर ये फोसा देता ही देता है क्योंकि उसे पता है बच्चों को अच्छे से इमेजिन तो है नहीं। तो क्या करते हैं सब लोग, इसको क्या एकदम रट लेते हैं बाउंड्री वगैरह, क्योंकि क्या अगर तुम इसको इमेजिन नहीं करोगे ना तो इसे तुम रटोगे। और मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, अगर तुम मेरा चैनल देख रहे हो ना यार, तो ये रटना रटना है, और ये एग्ज़ाम की चिंता छोड़ दो। क्योंकि क्या है, मैं आपको पूरा हर चीज़ डिटेल में बताता हूँ और 3D मॉडल में बताऊँगा। इस इश्यू एनाल फोसा के लिए मैंने क्या तुम्हारे लिए छोटा सा मॉडल टाइप का बना के रखा है, तो आज अपन इसी को डिटेल में देखने वाले हैं। तो अपन शुरू करते हैं। अगर आपने मेरी पेरिनियल मेम्ब्रेन और डीप पेरिनियल स्पेस के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो आप वो दो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, ये जो है ये मेरी पेल्विस पर 3rd वीडियो है। इससे पहले मैंने पेरिनियल मेम्ब्रेन और डीप पेरिनियल स्पेस के बारे में बताया है। क्या आप वो वीडियो देख लोगे ना तो सारे कंसेप्ट के तो मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे फिर, क्योंकि क्या है ये दोनों कंसेप्ट इसमें तुम्हें इस्तेमाल होंगे, ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिंक तुम आई बटन में मिल जाएगा, तुम पहले वो देख लो। तो क्या होता है, उसमें मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको पहले से पता है पेरिनियल मेम्ब्रेन कंसेप्ट तो आपको दिक्कत ही नहीं है, पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगर नहीं आता तो आप देख लो एक बार। तो ये क्या है, ये है अपनी पेल्विस बोन। पेल्विस बोन का अपन ये देख रहे हैं इन्फीरियर वाला सरफेस। तो वहाँ पर अपन ने क्या देखा था, वहाँ पर अपनी होती है 3 ओपनिंग फीमेल में, एक होती है यूरेथ्रल ओपनिंग, फिर आती है वेजाइनल ओपनिंग, उसके बाद आपकी आती है एनाल। फीमेल में जो है वो 3 ओपनिंग होती है, मेल के अंदर देखें तो मेल में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो कि है आपकी एनाल ओपनिंग। ये जो अपना एनएस जो है अपना, उसको दोनों साइड आपको स्मॉल फोसा दिखता है, आपको स्पेस दिख रही होगी, इसी को अपन कहते हैं इश्यो एनाल स्पेस। तो इश्यो एनाल स्पेस जो है ये आपके एनाल के दोनों साइड जो एक फोसा दिखेगा उसी को अपन बोलेंगे इश्यो एनाल फोसा। अब एक्चुअली में क्या रहता है, ये जो इश्यो एनाल फोसा जो है ये आपका वेज शेप का रहता है। कैसा, कुछ इस प्रकार का वेज, मतलब जो खील जो रहती है ना अपन वुड वगैरह में ठोकते हैं, अगर आप मॉडल देख पा रहे हो तो हल्का भी आपको खील जैसा दिख रहा होगा, तो खील शेप का फोसा रहता है कुछ इस प्रकार से। अब इसके अंदर क्या होता है, एक होता है एपेक्स और एक होता है बेस, ठीक है। तो इश्यो एनाल फोसा जो है, अच्छे से याद कर लेना, ये आपका वेज शेप का फोसा है, मैंने आपको 3D मॉडल बता दिया बना के। कहाँ सिचुएटेड रहता है, अपन ने क्या देखा, अपना जो एनाल कैनाल रहता है उसको दोनों साइड आपका सिचुएटेड रहता है। देन इसका जो एपेक्स है वो ये बोल रहा है कि इसका एपेक्स जो है वो अपवर्ड रहता है, बेस जो है वो डाउनवर्ड रहता है। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको क्या डायग्राम में रख के बताता हूँ। तो अगर आप ये वाला डायग्राम देखो, तो इस ये वाला डायग्राम जो है मैं पहले ही पेरिनियम के मेम्ब्रेन में समझा चुका हूँ, तो मैं इसको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, जो अपना जो पेल्विस वाला रीजन जो है उसको अपन ने क्या करा था, दो ट्राइंगल में अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक जो इंटीरियर ट्राइंगल जो है, जो आप ग्रीन से देख रहे हो, उसको अपन कहते हैं यूरोजेनाइटियल ट्राइंगल। इसी यूरोजेनाइटियल ट्राइंगल में क्या रहता है, अपनी रहती है पेरिनियल मेम्ब्रेन, और ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसको अपन कहते हैं एनाल ट्राइंगल। अगर आप ये डायग्राम में भी देखो तो आपको आराम से दो ट्राइंगल दिख पा रहे होंगे, ये आगे वाला ट्राइंगल, इसके अंदर ये क्या है, ये है अपनी पेरिनियल मेम्ब्रेन, और ये नीचे वाला ट्राइंगल तो इसके अंदर है एनाल, तो इसलिए इसको बोलते हैं एनाल ट्राइंगल। तो ये इश्यूरेटर फोसा जो है ये एक्चुअली में आपके ये वाले एनाल ट्राइंगल में रहता है। अगर आप इस साइड में देखो, अपन ने करा इसको इस सेक्शन में काटा, अपने बी सेक्शन में, अगर आप इस साइड में देखो तो अपन ने क्या करा, बोन को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा, तो आपको क्लियर दिख पा रहा होगा कि ये जो यूरोजेनिटियल ट्राइंगल है ये अपना रहता है हॉरिजॉन्टल, और ये जो एनाल ट्राइंगल है ये आपका हल्का सा रहता है ओब्लिक। तो जो इश्यो एनाल फोसा जो होता है वो एक्चुअली में आपको इस तरीके से प्लेस रहता है, हल्का सा ऐसा है, मतलब इसके अंदर जो है जो एपेक्स जो है वो आपको कैसा है, वो आपको दिख पा रहा होगा अपवर्ड है, बेस आपका है डाउनवर्ड। अगर आप एक चीज़ देख रहे हो, एपेक्स जो है इसका इंटीरियर में भी आ रहा है, बेस जो है इसका पोस्टीरियर में आ रहा है, कुछ इस तरीके से जो है ये इश्यूरेटरल फोसा प्लेस रहता है। अब इसको मैं क्या एक बार 3D मॉडल में और दिखा देता हूँ, तो मैं क्या और अच्छे से ये इमेजिन हो पाएगा। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हो, ये मैं आपको, ये है अपना 3D मॉडल, यानी 3D मॉडल में अगर आप इस तरफ जाओ पोस्टीरियर साइड में, नीचे की तरफ ये अपनी पेल्विस बोन, देन यहाँ पे
आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये दिख रहा है आपको फोसा, बेल शेप का फोसा, तो इसी को अपन बोलते हैं इश्यू एनाल फोसा। ये आपको क्लियरली मतलब आपको दिख ही रहा होगा ये क्या है, ये अपनी जो मसल है ये अपनी है लेवेटर एनाई मसल, जिसको मैंने हाईलाइट करा ये वाली, और नीचे जो मसल है ये है अपनी डीप ट्रांसवर्स पेरेनियल मसल, इन दोनों के बीच में ये आपको बिल्कुल एक क्लियरली फोसा दिख रहा होगा, वेज शेप का फोसा। अब जैसा इस साइड रहता है ना, सेम टू सेम इस साइड भी रहता है, लेकिन इस साइड के हमने शो नहीं करा है, सिर्फ वन साइड शो करा है ताकि आपको अच्छे से इमेजिन हो पाए। और ये जो है, और ये जो है, ये अपना है एक्सटर्नल एनाल स्पेंटर, मतलब कि जो अपना एनस जो होता है ना उसका स्पेंटर है। तो एनस के दोनों तरफ ये आपका फोसा रहता है, अपन राइट में देख रहे हैं, ये है आपका राइट इश्योरेक्टल फोसा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या हो रहा है, इस जो फोसा जो है उसकी वॉल बन रही है कुछ। अगर मैं जाऊँ तो ये वाली कौन सी साइड है, ये है अपनी लेटरल साइड और ये है अपनी मीडियल साइड। तो आप अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो कि मीडियल साइड में इश्योरेक्टल फोसा की वॉल कौन बना रहा है, आपका बना रही है लेवेट रैनाई मसल। अगर आप इस तरफ भी देखो, ये जो डायग्राम है ना, एक्चुअली में अगर मैं इस मॉडल को इस तरफ ले जाऊं और मैं इस सेक्शन में काटूं तो इसको बोलते हैं कोरोनल सेक्शन। तो इसी कोरोनल सेक्शन का ये वाला डायग्राम है, तो इसके अंदर आपको क्लियरली क्या हो रहा होगा, मतलब ये इस सेक्शन में अगर मैं कट करूँ ना तो आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो स्पेस है यही आपकी है इश्यो एनाल स्पेस। आपको अच्छी तरीके से ये आप इमेजिन हो पा रहा होगा, ये है अपना एनएस जिसको अपन ने इस तरीके से काटा है। देन एनएस में क्या होता है, दो तरीके के स्पेंटर होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल स्पेंटर जो कि आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख पा रहे हो, और एक होता है इंटरनल स्पेंटर। तो उसमें दो तरीके के स्पेंटर होते हैं, अगर आप देख पा रहे हो कि अंदर की तरफ है इंटरनल, बाहर की तरफ है एक्सटर्नल स्पेंटर। उसके अलावा ये जो फोसा है उसके मीडियल में क्या आ रही है, आपकी आ रही है लेवेटर एनाई मसल। अगर आप इधर भी देखो, इसको सेपरेट करूँ तो आपको आराम से दिख पा रहा होगा, ये वाली मसल कौन सी होती है, ये आपकी होती है लेवेटर एनाई मसल। तो इस फोसा के मीडियल में क्या आ रहा है, लेवेटर एनाई मसल। देन इस फोसा के लेटरल में ये क्या है, जो बोन है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं इशल ट्यूब्रोसिटी। तो उसके लेटरल में आपका आ रहा है इशल ट्यूब्रोसिटी, और एक्चुअली में इशल ट्यूब्रोसिटी से जो है ना यार एक मसल अटैच होती है, उसको अपन कहते हैं ऑब्टुरेटम इंटरनस मसल। उस मसल ऑब्टुरेटम इंटरनस मसल वो आपकी यहाँ पे रहती है। इसको दिखाने के लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा 3D मॉडल दिखाना पड़ेगा, उसमें आपको अच्छे से दिख जाएगी। तो सबसे पीछे जो है अपन, सबसे पहले अपन आपकी आ रही है ग्लूटियस मैक्सिमस, इसको मैं आपको हाइड करूँ तब आपको क्लियरली ये वाली मसल दिखेगी, ये है आपकी ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल। तो ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल जो है ये कहाँ है, ये अपनी इशियल ट्यूब्रोसिटी के साइड में है। तो क्या होता है, जो मैं आपको क्या बाउंड्री बता रहा हूँ ना ये इश्योनल फोसा की, तो उसमें ये जो मसल है ऑब्टुरेटर इंटरनल मसल, ये इस मॉडल में शो नहीं है, लेकिन ऑब्टुरेटर इंटरनल मसल जो है वो आपकी बना रही है लेटरल बॉर्डर, इश्योनल फोसा की लेटरल बॉर्डर। तो मैं क्या करता हूँ अब आपको और अच्छे से समझाने के लिए, ये हिप बोन को हाइड करता हूँ तब आपको अभी पूरा फोसा दिख पा रहा होगा अच्छे से। अब उसमें मैं ये मॉडल आपका रख देता हूँ। अब मॉडल में याद करना कि ये जो साइड है ना, ये है इसका है एपेक्स, ये है इसका बेस, ये है इसकी लेटरल साइड, ठीक है, और ये है इसकी मीडियल। तो लेटरल साइड कैसे आएगी, कुछ इस तरीके से रहेगी मॉडल में, कोई बड़ा करना पड़ेगा, देन ये कुछ इस तरीके से जो मॉडल है प्लेस होगा आपका, ठीक है। तो आप क्लियरली दिख पा रहा होगा, अगर मैं इधर से ले जाऊँ इस सेक्शन में भी दिखाऊँ तो कुछ ऐसा होगा, ये मॉडल बेस जो है इसका अपवर्ड रहता है और एपेक्स जो है इसके अंदर की तरफ जाएगा कुछ यूँ। तो आपको क्या क्लियरली पूरा इमेजिन हो पा रहा होगा अभी, ठीक है। तो अब आप इसमें आराम से देख पा रहे हो कि इसके ये जो मीडियल साइड है, ये मीडियल, तो ये इश्यो एनाल फोसा में इसकी मीडियल साइड कौन बना रहा है, आपकी बना रही है लेवेटर एनाई मसल। देन इसके लेटरल में, देन इसकी लेटरल साइड कौन बना रहा था, इसकी लेटरल साइड आपकी बना रही थी ऑब्टुरेटम इंटरनल मसल, और ये क्या है, ये अपनी इश्यो ट्यूब्रोसिटी, ये इश्यो ट्यूब्रोसिटी बना रहा था। देन इसका जो बेस है ना, इसके पीछे की तरफ इधर मैं प्लेस करूँ, ये है इसका बेस, ये है इसका एपेक्स। इसका बेस जो है इसके पीछे एक लिगामेंट आता है, उसको दिखाने के लिए मुझे क्या लिगामेंट का डायग्राम मॉडल दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली 3D मॉडल जो है ये मैं एटलस एनाटॉमी 3D अब इस्तेमाल करता हूँ, इसमें क्या बॉडी के सारे मॉडल है, लिगामेंट का अलग होगा, मसल का अलग होगा, आर्टरी का अलग है,
तो इसको तुम चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। तो ये जो लिगामेंट है, मैं तो सेपरेट ही करता हूँ आपके लिए, इसको अपन बोलते हैं सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रो मतलब ये सैक्रल बोन है, एक तो उससे अटैच है और ये क्या है आपके शल ट्यूब्रोसिटी उससे भी अटैच है, इसलिए इस लिगामेंट का नाम है सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको क्लियर होगा, ये कुछ इस तरीके से मॉडल प्लेस है। तो इसका जो बेस है ना, उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर ही आपका लिगामेंट आता है, उसको बोलते हैं सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट। तो इसके बेस पे, तो इसका बेस किससे रिलेशन में आ रहा है, आपका आ रहा है सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट से। जो कुछ इस तरीके से जो है, ये मैंने आपको 3D मॉडल में बता दिया आपका इश्यू एनल फोसा। तो ये क्या है, अब आपको अच्छे से क्लियरली इमेजिन हो गया होगा, वरना क्या है इमेजिन नहीं हो पाता है फोसा कहाँ है, किस शेप का है। तो मैंने बिल्कुल तुम्हें 3D मॉडल में बेस शेप का फोसा बताया, देन मैंने तुम्हें इस मॉडल के अंदर रख के भी बताया कि इस तरीके से प्लेस होता है। तो अब अपन इसको डिटेल में देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या इसके कंटेन है। तो मैंने आपको क्या बताया था इसकी बाउंड्री में, किसका जो बेस जो है वो क्या है, वो कैसे फॉर्म हो रहा है, वो फॉर्म हो रहा है फॉर्म बाय स्किन ऑफ पेरेनियम। तो अब याद करना पड़ेगा आपको कि जो इश्योरेक्टल फोसा का जो बेस होता है वो किससे फॉर्म होता है, आपका फॉर्म होता है स्किन ऑफ पेरेनियम से, ठीक है। देन इसका अपन देखें एपेक्स, तो इसका एपेक्स जो था ये आपका कैसे बन रहा है, मतलब इस तरफ जो है क्या रहता है, इस तरफ आपकी रहती है लेवेड रैना ही मसल, ये आप देख रहे हो ना, ये है आपके लेवेड रैना ही मसल इस तरफ, और ये आपकी मिडल साइड में है ऑपरेटम इंटरनस मसल। अब इन दोनों मसल जिस जगह पर मीट हो रहे हैं वहीं पे आपको बन रहा है ना एपेक्स, मतलब कि लेवेड रैना ही मसल और ऑपरेटम इंटरनस मसल, ये दोनों मसल जहाँ पे आपके मीट होंगे वही बनाएगा आपका एपेक्स। तो एपेक्स में ये लिखा है फॉर्म बाय लाइन वेयर ऑपरेटर फेशिया, मतलब जो ऑपरेटर मसल को जो कवरिंग करेगी फेशिया उसको बोलेंगे ऑपरेटर फेशिया, बड़ा इजी है। तो एपेक्स फॉर्म बाय वेयर ऑपरेटर फेशिया मीट इन्फेरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम, जो पेल्विक डायफ्राम की जो फेशिया है उन दोनों की फेशिया जहाँ मिलती है ना वहीं पर आपका बनेगा एपेक्स। तो ये लाइन ये लिखी है। देन अपन देखते हैं इसके इंटीरियर में, इसके इंटीरियर में क्या रहता है, इसके इंटीरियर में आपका रहता है पेरेनियल मेम्ब्रेन। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊँ, तो ये क्या है, ये आपको ये है आपकी पेरेनियल मेम्ब्रेन। अब ये जो एनल कैनाल है इस तरीके से आपका प्लेस है दोनों साइड, ठीक है। तो इसका जो इंटीरियर में क्या आ रहा है, आपका आ रहा है पेरेनियल मेम्ब्रेन। तो यहाँ भी यही लिखा है कि इसके इंटीरियर में किसके रिलेशन में आ रहा है, आपके आ रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरेनियल मेम्ब्रेन के रिलेशन में। देन पोस्टीरियर में इसके पीछे, इसके पीछे क्या रहता है, यहाँ पे इसके पीछे क्या है, इसके पीछे आपका रहता है सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, मैंने आपको दिखाया था। और सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट के भी पीछे एक मसल होती है जिसको अपन कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, मतलब सबसे पहले क्या आएगा, आपका आएगा सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, उसके बाद एक मसल आएगी वो है आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। देन फिर अपन देखें इसकी लेटरल वॉल, मतलब कि ये वाली जो लेटरल वॉल थी, इस साइड क्या था, इस साइड आपका आ रहा है ऑपरेटम इंटरनस मसल और इशियल ट्यूब्रोसिटी। देन अपन देखें इसकी मिडल वॉल, तो मिडल साइड में आप क्लियरली देख पा रहे हो आपका है लेवेटर एनाई मसल और एक्सटर्नल एनाल स्पेंटर। तो ये मैंने इसको आपको डिटेल में बताया। देन फिर अपन देखते हैं इसमें कौन कौन सी स्पेस होती हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये जो पूरा जो फोसा है ना, इसको अपन कहते हैं इश्योरेक्टल फोसा, ठीक है। देन यहाँ पे ये क्या है, ये फेशिया है, इसको अपन कहते हैं पेरियनाल फेशिया, ये तुम अच्छे से याद कर लो। ये जो पूरा फोसा है इसको अपन बोलेंगे, दोनों को मिला के अपन बोलेंगे इश्योरेक्टल फोसा। अब इस इश्योरेक्टल फोसा में क्या होता है, एक फेशिया जाती है उसको अपन बोलते हैं पेरियनाल फेशिया। तो एक फेशिया आने के कारण ये जो फोसा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नीचे वाले को अपन बोलते हैं पेरियनाल स्पेस, ऊपर वाले को अपन बोलते हैं इश्योएनाल स्पेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है अपन इसी पेरियनाल स्पेस को अपन देखते हैं, या स्पेस बोल लो या फोसा बोल लो, बात एक ही होती है। तो जो पेरियनाल फोसा जो है फॉर्म ऑफ सेप्टम, जो पेरियनाल जो फोसा है वो कैसे बन रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो सेप्टम है ना, इस सेप्टम के कारण ये बन रहा है। और ये कैसी है, ये अपनी है लॉन्गिट्यूडनल, तो जो सेप्टा है कहाँ से एक्सटेंड कर रही है। तो अपन जो एनाल कैनाल की वीडियो में अपन पढ़ेंगे, एक्चुअली में एनाल कैनाल में ये जो एक लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, इसको कहते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। अगर इसको तुम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तुम अच्छे से याद, अभी तुम क्या बस इसको याद कर लो कि जो एनाल है उसमें एक लाइन रहती है, उस लाइन का नाम होता है वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, ठीक है। तो जो एनाल है ये कहाँ पे आपका प्लेस है, ये अपना प्लेस है मीडियल में। तो यहाँ पे यही लिखा है कि पेरी एनाल जो फेशिया है उसका एक्सटेंड कहाँ से हो रहा है, मीडियल में।
आपकी वाइट लाइन ऑफ हिल्टॉन से लेकर लेटरल में कहाँ तक, पुडेंडल कैनाल तक। अगर आपने देखो तो ये आपको पुडेंडल कैनाल दिख रही होगी। क्या रहता है पुडेंडल कैनाल जो है, ये एक्चुअली में आपकी फेशियल कैनाल है। मतलब ये जो तो पूरी फेशिया है ना, इस फेशिया के अंदर आपको एक कैनाल दिख रही होगी, उसको अपन कहते हैं पुडेंडल कैनाल। और जो पुडेंडल कैनाल जो है, ये आपकी इश्यो एनाल फोसा में लेटरल साइड आपको दिख रहा होगा। मतलब ये आपका क्या पूरा है इश्यो एनाल फोसा, उसके लेटरल में आपको क्या दिख रहा है, ऑब्टूरेटम इंटरनल मसल और इशियल ट्यूबरोसिटी। उसके अलावा यहाँ पे एक आपको कैनाल और दिख रहा होगा, मतलब फेशिया के अंदर ये कैनाल है, तो उसको बोलेंगे फेशियल कैनाल, उसका नाम होता है पुडेंडल कैनाल। और जो पुडेंडल कैनाल जो है, ये आपका लेटरली प्लेस है। तो ये जो फेशिया जो है वो आपका मीडियल में वाइट लाइन ऑफ हिल्टॉन से एक्सटेंड हो रही है, कहाँ तक, पुडेंडल कैनाल तक, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें इस फेशिया के कारण क्या हो रहा है, ये दो फोसा आपके बन रहे हैं यहाँ पे, एक होता है पेरिनल और एक होता है इश्योनल स्पेस। अब ये जो पेरिनल स्पेस जो है, अब मेनली अगर मैं आपको बताऊँ ना यार, इश्योनल जो फोसा जो है मेनली क्यों रहता है, मेनली इसका कंटेंट क्या होता है इश्योनल फोसा में, तो इसका मेन कंटेंट होता है, डायग्राम में भी अगर आप देख पा रहे हो, इसका मेन कंटेंट रहता है फैट। इश्योनल फोसा में मेनली आपको प्रेजेंट रहता है फैट। फैट भी क्यों प्रेजेंट रहता है, फैट इसलिए प्रेजेंट रहता है क्योंकि वो क्या करता है, आपके रेक्टम को, एनाल कैनाल को सपोर्ट देता है। तो इसलिए जो इश्योनल फोसा जो है ना, उसका मेन कंटेंट आप लिख अच्छे से याद कर लेना, उसका मेन कंटेंट होता है आपका फैट। अब जो पेरिनल स्पेस जो है, उधर जो फैट जो प्रेजेंट रहता है ना, वो आपका प्रेजेंट रहता है टाइटली अरेंज स्मॉल लोकस में, बिल्कुल याद कर लेना। जो पेरिनल स्पेस है ना, मतलब उसके अंदर जो फैट प्रेजेंट है ना, वो आपका ऐसा स्मॉल स्मॉल टाइटली अरेंज लोकाई में प्रेजेंट रहता है। वहीं अगर हम ऊपर देखें, ऊपर क्या होता है, लार्ज लार्ज एंड लूजली अरेंज लोकाई में आपका फैट प्रेजेंट रहता है। तो ये लाइन बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसको क्या रेड से लिखी है। और ये क्या है, कीवर्ड लाइन है यार, मतलब उसको एग्जाम में आपको लिख के आना है कि जो 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 अपने इश्योरेटल फोसा है, उसका मेन कंटेंट है अपना फैट। और फैट भी क्या है, पेरिनल स्पेस में आपका टाइटली अरेंज होता है स्मॉल लोकाई में। वहीं आपका इश्योएनल स्पेस में जो फैट जो है, वो आपका लूजली अरेंज होता है लार्ज लोकाई में। तो ये आपने याद कर लिया। देन अपन देखते हैं इश्योएनल स्पेस, ये वाला, तो ये आप देख पा रहे हो लार्ज है और डीप है, ठीक है। एज कंपेयर अपन करें पेरिनल से, तो लार्ज भी है और डीप भी है। देन फैट मैंने आपको बता ही दिया कि फैट कैसा होता है, फैट आपका इसमें लूजली अरेंज होता है। देन फिर अपन देखें पुडेंडल कैनाल के बारे में, तो पुडेंडल कैनाल क्या होती है, ये आपकी फेशियल कैनाल है। ये क्या है, ये आपकी फेशियल कैनाल है लेटरल वॉल ऑफ इश्योनल फोसा में। इश्योनल फोसा के लेटरल वॉल में ये आपको फेशियल कैनाल दिख रही है ना, इसी को अपन कहते हैं पुडेंडल कैनाल। और पुडेंडल कैनाल के अंदर क्या होगा, मतलब मेनली कैनाल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगी आपकी पुडेंडल नर्व, पुडेंडल आर्टरी और पुडेंडल वेन। तो सारा का सारा जो है ना यार, ये अपन ने इसकी मेन मेन स्पेसिस भी देख ली। देन फिर मैं आपको इसके बताऊंगा कंटेंट। वो कंटेंट बताने से पहले मैं आपको क्या इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ, तो उसको अपन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप याद कर लेना, जिस सीक्वेंस में बना रहा हूँ ना, उसी सीक्वेंस में तुम्हें बनाना है, वरना तुम क्या उसको बना ही नहीं पाओगे एग्जाम में। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे इशियल ट्यूबरोसिटी। तो इस तरीके से आप बना लेना पहले इशियल ट्यूबरोसिटी, लेटरल में आपको बनाना है पहले इशियल ट्यूबरोसिटी, ओके। देन अपन ने देखा था, अगर आप इस डायग्राम में देखो इशियल ट्यूबरोसिटी में क्या लगा है, आपका लगा है ऑब्टूरेटम इंटरनस मसल। तो आप फिर बना देना ऑब्टूरेटम इंटरनस मसल, नमाज चल रही है, तो अपन मैं दो मिनट वीडियो को स्टॉप करता हूँ, दिन बाद में अपन उसको रिज्यूम करेंगे। चलो अपन फिर से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको बनानी है इशियल ट्यूबरोसिटी, देन उसके बाद आप बनाओगे पहली मसल, जो कि आप जो पहली मसल जो अपनी होती है ऑब्टूरेटम इंटरनस मसल, ओके। देन ये मसल बनाने के बाद आपको बनाना पड़ेगा इसके अंदर आपका एनाल कैनाल, तो हम इसका पूरा बनाने वाले हैं। तो फिर आप बनाना ये बना लिया अपन ने इसका एनाल। देन फिर अपन इसमें बनाएंगे स्पिंटर। अब इसके अंदर दो स्पिंटर थे, एक में क्या बनाया था मैंने इंटरनल स्पिंटर, ये जो अपना जो एनाल जो होता है ना अपना एनस, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो है एनाल कैनाल के ऊपर,
है ना, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनाल कैनाल। तो जो एनाल कैनाल है उसके ऊपर क्या रहता है, अपने दो स्पिंटर रहते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। और जो इंटरनल रहते हैं ना उसमें भी दो रहते हैं, मतलब क्या होता है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। तो मैं तुम्हें दोनों बना देता हूँ। सबसे पहले अपन बनाते हैं इंटरनल। कुछ नहीं यार, एक लाइन से तुम कैसे शो कर देना बस उसे, जो गया इसका इंटरनल स्पिंटर सर्कुलर वाला, ये हो गया इसका लॉन्गिट्यूडनल। देन ये अपन बना देना इसका एक्सटर्नल स्पिंटर। स्पिंटर जो है ये मसल ही रहती है, इसलिए अपन इसको ब्राउन से ही डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली इस साइड में भी होगा आपका, बड़ी आसानी से बन जाता है यार ये डायग्राम। कुछ खास इसमें कुछ है नहीं ऐसा जो ना बन पाए आसानी से। आप यूनिवर्सिटी में क्या इसको अगर प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुमने इसकी प्रैक्टिस करी है ना ढेर सारी, तो एग्ज़ाम में तुम जब बना के आओगे ना तो बहुत इजीली बन जाएगा। वरना क्या होगा, तुम्हें 5 नंबर में तो आना ही आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब तुम वहाँ पर मालूम पड़े तुम्हें इसमें टाइम लग गया डायग्राम बनाने में ही, तो वो क्या होगा तुम्हारा एग्ज़ाम छूट जाएगा यार। इसलिए क्या, मेनली प्रैक्टिस करा करो घर पे, बना बना के देखा करो डायग्राम। अपने रूम पे रहते हो तो तुम रूम पे करो। देन फिर अपन बनाएंगे एक और मसल होती है जो कि ऊपर रहती है, उसको अपन क्या बोलते थे, उसको अपन बोलते थे लेवेटर एनआई मसल। अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊँ तो आपको मसल दिख रही है ना ये वाली, तो ये बनाएंगे अपन लेवेटर एनआई मसल। उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, ये है अपनी ऑब्टूरेटर मसल। अब इसकी एक फेशिया होगी, सबसे पहले आप वो बनाओ। फेशिया ग्रीन से बताएंगे, ये ऑब्टूरेटर फेशिया। देन एक और फेशिया बनाना, फिर यहाँ से आप बनाना इसमें ये लेवेटर एनाई मसल, ठीक है। तो बिल्कुल सीक्वेंस देखो मैं कैसे बना रहा हूँ डायग्राम, समझा तो मैं पहले ही चुका हूँ तुम्हें। देन ये उसकी भी फेशिया बना दो। फेशिया क्या है, मसल की कवरिंग, ठीक है। देन फिर अपन ने क्या देखा था, यहाँ से मीडियली में, ये क्या है, वाइट लाइन ऑफ हिल्टन इसको बोलते हैं, दिख रही है ना ये, तो मीडियली में वाइट लाइन ऑफ हिल्टन से लेकर आपका लेटरल में ये बना देता हूँ पुडेंडल कैनाल, लेटरल में पुडेंडल कैनाल तक। ये जो फेशिया है ना, इसी को अपन कहते हैं पेरिएनाल फेशिया। और इसी पेरिएनाल फेशिया के कारण आपकी यहाँ पे कितनी स्पेस क्रिएट हो रही थी, आपकी यहाँ पे दो स्पेस क्रिएट हो रही हैं। अगर अपन देखें नीचे वाली है अपनी पेरिएनाल स्पेस, है ना, और इसके अंदर क्या भरा है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर दोनों के अंदर फैट है, लेकिन इसका फैट कैसा है, इसका जो फैट है आपका स्मॉल लोकस में था। देन इसके ऊपर जो होता है कुछ इस तरीके से जो है वो फेशिया रहेगी, मैं आपको बताऊंगा, ये ऐसी फेशिया है, ठीक है। इस फेशिया को हम बोलते हैं ल्यूनेट फेशिया, जैसे से याद कर लेना, ये जो फेशिया है ना इसका नाम है ल्यूनेट फेशिया, ठीक है। देन ल्यूनेट फेशिया के कारण क्या होता है, इसके अंदर ये जो स्पेस है ना, यही आपकी स्पेस है, स्पेस है ना, ये है स्पेस है आपकी इश्योनाल स्पेस। उसके अंदर का फैट कैसा था, लार्ज में प्रेजेंट था। और ये आप देख रहे हो, ये फेशिया के अंदर एक कैनाल ही बन गई आपकी, मतलब कि फेशियल कैनाल। इसी कैनाल को अपन बोलते थे पुडेंडल कैनाल। और पुडेंडल कैनाल में आपका मेनली प्रेजेंट होता है पुडेंडल नर्व, जैसा नाम है वैसी पुडेंडल नर्व, फिर पुडेंडल आर्टरी, और एक आपकी आर्टरी है, तो फिर आपका होगा इसके अंदर वेन भी, तो आपका है पुडेंडल वेन। तो इस तरीके से आपका सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको बना के आने हैं। मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको उसको फटाक से लेबल करके और बता देता हूँ। ये क्या है, ये है अपनी पुडेंडल कैनाल, पुडेंडल कैनाल है। पुडेंडल कैनाल के अंदर क्या है, पुडेंडल कैनाल विथ पुडेंडल नर्व, ठीक है, एंड वेसल। तो ये आ गया इसका नर्व एंड वेसल्स। देन लेटरल में ये क्या थी, ये है आपकी ऑब्टूरेटम इंटरनस मसल, ओके। दिन ये वाली कौन सी मसल है, ये अपनी है लेवेटर एनाई मसल। ओ यार इतना कुछ खास इसके अंदर, ये है लेवेटर एनाई मसल, ये आपका एक्सटर्नल स्पिंटर, ये है इंटरनल स्पिंटर, और ये एनाल कैनाल, और ये जो लाइन है यही है आपकी वाइट लाइन ऑफ एल्टोन। उसके ऊपर डिटेल में भी देख लेंगे यार अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको पूरा इश्यो एनाल फोसा ड्रॉ करके आना है। वो मैंने आपको क्या ड्रॉ करके बता दिया, ताकि क्या आपको ज़्यादा मेहनत ना लगे यार। मतलब मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी वीडियो देखो और उसके बाद तुम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का पेपर देने चले जाओ। मैं तुम्हें नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ ना, मतलब मेरे नोट्स लो, वीडियो देखो और डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे आओ, ज़्यादा आपको लोड लेना ही नहीं है। देन लास्ट में अपन क्या देख रहे थे, इसके कंटेंट,
तो मेन कंटेंट क्या है भैया? मेन कंटेंट इसका है इश्यू एंड ऑल पैड ऑफ फैट, मतलब इसके अंदर मेन कंटेंट है इसका फैट, ठीक है। फैट के बाद पुडेंडल कैनाल, पुडेंडल कैनाल के अंदर पुडेंडल नर्व, पुडेंडल वेसल्स, उसके अलावा दो आर्टरी भी आ रही हैं, एक है इन्फीरियर रेक्टल नर्व एंड वेसल, मतलब कि वही आर्टरी वेसल में दोनों आ जाएंगी, आर्टरी और वेन, ये अपन को पता है। तो इसमें है इन्फीरियर रेक्टल नर्व एंड वेसल, उसके बाद पोस्टेरियर स्क्रॉटल, अगर मेल है मेल में होगा स्क्रॉटल तो इसलिए बोलेंगे पोस्टेरियर स्क्रॉटल, फीमेल हो तो लेबियल, तो पोस्टेरियर स्क्रॉटल और पोस्टेरियर लेबियल नर्व एंड वेसल। उसके बाद दो नर्व और आ रही हैं, एक है पेरिनियल ब्रांच ऑफ फोर्स सैक्रल नर्व, दूसरी है परफोरेटिक क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ नर्व। तो ये इसके हो गए कंटेंट, तो उसको आप देखते हैं यूनिवर्सिटी में आप कैसे लिख के आओगे। यार कभी यूनिवर्सिटी में आ गया ना शॉर्ट नोट में, तो जैसा मैंने तुम्हें प्रोवाइड करवाया है ना उतना आप यूनिवर्सिटी में लिख के आ जाना, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि मेन चीज़ होती है कंटेंट, आप क्या कंटेंट दे रहे हो, मतलब एग्जामिनर यही देखता है कि इसमें क्वालिटी है कि नहीं, क्वालिटी कंटेंट है कि नहीं, क्वांटिटी नहीं देखेगा कि बड़े बड़े तुमने पैराग्राफ लिख दिए। तो मैं अपर लिम लोअर लिम बता चुका हूँ, एक्चुअली मैं मेरे चैनल पर अपर लिम और लोअर लिम की वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, थोरेक्स भी, देन फिर अपन ने पेल्विस स्टार्ट करा है, उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें मिल जाएंगे, आई बटन पर चले जाना। तो उसमें पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखते हैं, मेनली होता है आप पैराग्राफ में ना लिख के चीज़ों को हेडिंग डाल के पॉइंट में लिखो तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ही देखता है। तो पहले इश्यू एंड ऑल फोसा लिखा, देन इसके दो इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट लिखना, फिर बाउंड्री लिखना, फिर बाउंड्री भी ऐसा नहीं कुछ भी तुमने डायरेक्ट एंटेरियर पोस्टेरियर, बिल्कुल नहीं, पहले बेस फिर एपेक्स फिर एंटेरियर पोस्टेरियर लेटर मिडल वॉल, इस तरीके सीक्वेंस में लिखोगे, देन फिर स्पेसिस की हेडिंग डाल के फिर आप तीनों स्पेस को लिखना और इनके इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट लिखना, इसको पूरा एक्सप्लेन करना, पेरेनल फेस को, इश्यूनल फेस को, देन पुडेंडल कैनाल को, देन फिर लास्ट में आप लिखना कंटेंट और उसके सारे कंटेंट लिखना, देन उसके बाद आपको ये वाला एक डायग्राम बना के आना है। और इस डायग्राम को तुम क्या, मैंने इसमें क्या जल्दी में मैंने लेबल नहीं करा, इसको तो पूरा प्रॉपर लेबल करना कि ये आपकी शिल ट्यूब्रोसिटी है, ये आपके ऑब्टेटर इंटरनल्स पूरा लिखना, देन ये ऑब्टेटर इंटरनल्स की फेशिया है, लेविड रेनाई की फेशिया है, ये न्यूलेंट फेशिया है, देन उसको पूरा अच्छे से लेबल करना। लेबल करने के बाद तुम्हें क्या मेनली कलर भी यूज़ करने हैं। अब मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने एक मसल मैंने तुम्हें ऐसे लाइन करा और एक मसल मैंने तुम्हें पूरा ब्राउन कलर से करा। मैं पता है इस चीज़ से तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता था, एक्चुअली में जब मेरा फर्स्ट पीसीटी हुआ था उसमें क्या करा, मैंने बहुत अच्छा लिखा था यार, लेकिन फिर भी मुझे मार्क्स कम मिले थे और मेरे सेम बैचमेट को ज़्यादा मार्क्स मिले, और फ़र्क इतना था कि मैं जब डायग्राम बनाता हूँ ना तो मैं डायग्राम में क्या मसल में ऐसे ऐसे कर रहा था, मैं इस तरीके से, मैं टाइम नहीं था मेरे को ज़्यादा लिखना था, लेकिन दूसरे बंदे ने क्या आराम, उसने कहा डायग्राम बड़े अच्छे बनाए, पूरे डायग्राम पे उसने कहा पूरा कलर अच्छे से भरे उसने, तो उसको रिलेटिवली मुझसे ज़्यादा मार्क्स मिले। तो इससे यार मैं तुम्हें एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम जो एनआरटी में डायग्राम अगर अच्छे से बनाते हो, अगर तुम्हारे डायग्राम वेल लेबल डायग्राम है, वेल कलर डायग्राम है, तो तुम्हें क्या एनआरटी में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। एनआरटी में आप क्या लिख रहे हो ना, एनआरटी में कितनी क्वांटिटी में क्या लिख रहे हो यार, उससे बहुत कम मैटर करता है, मेन चीज़ है आपके डायग्राम, आप डायग्राम कितने अच्छे से बना रहे हो। और डायग्राम अच्छे से बनाने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो कंजूसी छोड़ो भाई, पेपर तुम्हारे नहीं है, पेपर आपके जो है कॉलेज वालों के हैं, तो आप बिल्कुल एक पेपर में बनाओ, अच्छा बनाओ, बड़ा बड़ा बनाओ। दूसरा, आप जब भी बनाओ अपना डायग्राम उसको कलर बनाओ, कलर में भी ऐसा नहीं आपने ऐसे 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 कर दिया, नहीं पूरा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यार, मैं समझ गया, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसे करके पूरे में उसको ब्राउन मसल है, मसल को पूरे से करो आप, मसल को भर दो आप, पूरा मसल करना है, उसके बाद लेबल करना है, तो उसको ना नाम तुम ऐसा नहीं है ऐसे जैसे मैंने तुम्हें अभी जल्दी जल्दी में लिखा, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीक्वेंस है, इस साइड के इस साइड, इस साइड के इस साइड, ढंग से लेबल करके बनाओ कि एग्जामिनर को आराम से तुम्हारा डायग्राम अच्छे समझ में आए।